गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस हम सब ने कबाब तो खाए हैं, ड्राई कबाब हमने सब ने खाए हैं, लेकिन आज मैं इन ड्राई कबाब का पूरा हुलिया चेंज करने वाला हूँ। आज मैं इन कबाब से बनाऊंगा ग्रेवी कबाब। तो एक सेमी ग्रेवी टाइप की हम बनाने वाले हैं इसकी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पैन में डाल लेंगे तेल। तो लगभग 3 चम्मच करीब हम इसमें तेल डाल लेंगे और इसको होने देंगे अच्छे से गरम। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन बारीक चॉप करी हुई। तो 4-5 कलियाँ मैंने कट करके डाली हुई हैं इसमें। और साथ ही साथ हम डाल लेंगे इसमें ग्रीन चिली बारीक चॉप करी हुई और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और इसको हम हल्का लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। जैसे कलर चेंज होने लगे वैसे ही हम इसमें डाल लेंगे फिर प्याज। तो ये देखिए कलर चेंज होने लग गया है और आप डालेंगे इसमें प्याज। तो प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ काटा है और उसको बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होने लगे वैसे ही हम फिर डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। तो ये देखिए प्याज का कलर भी काफ़ी बढ़िया हो गया गोल्डन ब्राउन। और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी मैं एक मीडियम साइज़ चॉप करी है और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। तो थोड़ा सा जो है गैस को हम कर लेंगे तेज़, जिससे हमारी शिमला मिर्च भी अच्छे से पक जाए और थोड़ा जल्दी पक जाए। तो ये सब्ज़ी को सौते करने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे डार्क सोया सॉस लगभग 1 चम्मच और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें विनेगर हल्का सा एक खट्टापन के लिए, एक टेंगीनेस के लिए। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को हम हल्के ही रखेंगे, नहीं तो जलने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और अब इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ये आरोरूट का पानी। तो इससे हमको मदद मिलेगी एक ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो इसको हम अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए हल्का सा एक गाढ़ापन हमको मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा गाढ़ा ना हो तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर लेते हैं जिससे हमारी क्वांटिटी जो ग्रेवी की है हमको थोड़ा ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। और अब डाल लेंगे इसमें हम नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कबाब। तो मेरे पास ये हरा भरा कबाब मैं लेके आया था। तो आप कोई भी कबाब यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कबाब जो हमारे मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और हर एक कबाब के अंदर ये मसाला हमारा जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से कोट हो जाए। अगर हमें पानी की ज़रूरत और पड़ती है इसमें तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ग्रेवी हमारी हल्की सी ड्राई हो चुकी थी कबाब डालने के बाद, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर लिया है जिससे ये मिक्स अच्छे से हो जाए। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे हम तिल। ये वाइट तिल लाते हैं वो हल्के से एक इसको एक नटी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ये ऐड कर लिया है। चाहे तो आप इसको हल्का सा एक रोस्ट करके डालेंगे तो और बढ़िया जो है टेस्ट आपको खाने को मिलेगा। तो लीजिए तैयार है हमारी ये ग्रेवी कबाब। तो देखिए क्या देखने में क्या मस्त लग रहा है एकदम। तो चलिए अब करते हैं इसको सर्व।